ये देखो भाई, ये आ गए प्रिसा पराठा जंक्शन पे। 60 मिनट में 3 पराठे खाने पर 11,000 इनाम या उम्र भर फ्री खाना खाए। साइज 2 फुट, वजन 1200 ग्राम। भाई 1 किलो से ऊपर का तो पराठा है। और वो देखो भाई, 15 मिनट में 1 लार्ज पराठा खाने पर पराठा फ्री फ्री फ्री। आ गया भाई हमारा पराठा। क्या कहना चाहोगे? भाई का बोतल स्टैंड देखो, भाई भाई का बोतल स्टैंड देखो, बोतल स्टैंड ये मम्मी ने रोटी बनाई है यार, देख के आ गया जरा। फ्राई पैसों को जानवरों को डाल के आते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं। और भाई क्या हाल है सबके, कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? बस भाई देखो यही चाहिए। तो यार आज मैं अभी तो वैसे खाना डालने जा रहा हूँ, कुछ मम्मी ने रोटियां बनाई थी और रात का भी थोड़ा सा खाना मैंने मंगवाया था और वो बच रहा था, खाया नहीं गया, बहुत सारा मंगा लिया था मैंने। तो अभी तो मैं वहां जा रहा हूँ, खाना डाल दो, जरा वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई खाना देखो। और उसके बाद मुझे पराठे खाने जाने, पराठे तो नहीं मतलब पराठा ही खाने जाना है, क्योंकि इतना बड़ा पराठा है ना भाई, वो बस की नहीं है उसे खाना। तो चलो चल के देखते हैं। वैसे तो ये है उधर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा पराठा है उनका, तो सबसे बड़ा पराठा है तो भाई खा के तो देखेंगे, वीडियो तो बनाएंगे इस चीज का। और अभी उधर ही जा रहे हैं, पहले तो मैं खाना वाना डाल दूं, फिर उसके बाद जाके देखते हैं कि भाई एक पराठा खाया जाता है नहीं खाया जाता। और पराठे के ऊपर ना भाई देखो स्कीम भी है कि अगर एक पराठा पूरा खा लिया तो देखो फ्री खाना फ्री है, और अगर 2 या 3 खा लिए उसका भी कुछ प्राइस है, कुछ सीन है, मुझे पता नहीं, उधर जाके पता चलेगा। ले ले ले, क्या बात है, रोज रोटी आज नान। ये देखो भाई, ये आ गए प्रिसा पराठा जंक्शन पे। ये भाई देखो इधर का मेन्यू, इंडिया का सबसे बड़ा पराठा, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध देसी घी में, वाह शुद्ध देसी घी में बनता है। साइज 2 फुट, वजन 1200 ग्राम। भाई 1 किलो से ऊपर का तो पराठा है ये। और 60 मिनट में 3 पराठे खाने पर 11,000 इनाम या उम्र भर फ्री खाना खाए। पराठे वैरायटी 51 तरह के, मतलब 51 टाइप्स के यहाँ पराठे हैं ये। ये रेट लिस्ट एक बार पॉज करके देख लेना। अभी हमने कौन सा ऑर्डर किया है? फ्राइड पनीर, फ्राइड पनीर का गया पनीर, हाँ ये रहा फ्राइड पनीर 450। किंग साइज यही है ना, लार्ज साइज 1200 ग्राम। ये मेन्यू है और ये इसकी रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट तो वैसे मैं डाल दूंगा, इसकी फोटो देख लेना, तुम लोग पॉज करके देख लेना। अभी मैंने इनसे बोला कि भैया एक लार्ज वाला पराठा लिया, वो बोल रहे कौन सा, आलू पनीर और बहुत सारे उनके पास प्याज भी है और मूली बहुत सारे हैं। मैंने बोला भैया पनीर लिया, पनीर में बोल रहे पनीर में कौन सा, मतलब वैरायटी है देखो बहुत सारी है इनके पास, पनीर में भी करीब 11 पराठे हैं। और सबसे महंगा जो है इनके पास 500 रुपये का, इससे ऊपर कोई है नहीं इसमें। और सबसे सस्ता पराठा अगर लोगे तो वो 100 रुपये का मिल जाएगा आलू पराठा, जो कि मतलब एक बंदे के लिए होगा, या वैसे 4 बंदों के लिए है, जैसे एक बंदे के लिए 100 रुपये का, 2 बंदों के लिए 200 रुपये का, और 4 बंदों के लिए 300 रुपये का आलू पराठा। और जो मैंने पनीर मंगाया है ये वाला तो कितने का है, 180 का एक बंदे का, 2 बंदों का 320 का, और 450 का 4 लोगों का। तो अभी वही आ रहा है लार्ज वाला पराठा, मतलब पूरी टेबल बन जाएगी अभी। ये देखो भाई, हर बुधवार 350 रुपये से ऊपर वाला पराठा भी 350 में, मतलब कि इससे ऊपर वाला जो होगा ना वो भी 350 में मिलेगा हर बुधवार को, ये इनकी स्कीम है। और ये पिज्ज़ा गोलगप्पे ये इन्होंने अभी नया पोस्टर लगाया। और वो देखो भाई, 15 मिनट में 1 लार्ज पराठा खाने पर पराठा फ्री फ्री फ्री, मतलब एक पराठा खाने में तो पराठा फ्री मिलेगा, और 60 मिनट में 3 पराठे खाने में 11,000 का इनाम और उम्र भर खाना फ्री। पर उम्र भर खाना फ्री होने का कोई फायदा नहीं है मुझे, मैं तो गाजीबाद में रहता हूँ, इधर आने में भी इतना टाइम लगेगा, दिमाग खराब हो गया। मैं बता दूँ वैसे उत्तम नगर में एकदम दिल्ली के एकदम कोने में जाके भी आ रहा है पराठा, देखते हैं उसे। आ गया भाई हमारा पराठा। क्या कहना चाहोगे? ऐसे पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब देखो जरा बंदों के हिसाब से पराठे का साइज देखो। ये एक तो इन्होंने इसमें रायता दिया है और हरी चटनी है, ये बटर है इसमें, और अचार नहीं दिया ना भाई, बहुत ज्यादा बड़ा पराठा है, साइज देखो पराठे का।
ये भी खाना खाने से पहले मैंने टाइमर स्टार्ट किया था और 4.25 मिनट में सब देखो खाना खा गए। भाई कैसा लगा ये बताओ, बोर है किसी में दम खाने का? ऐसा है कुछ कि खाने में ना कुछ ऐसा था कि पूरा खाया नहीं जा रहा, वैसे मैं इससे ज़्यादा ही खा जाता हूँ मैं भी। खा जाओगे ना भाई, इससे ज़्यादा खुराक तो सबकी इससे ज़्यादा जाती है। पर प्लेट का साइज देखो एक बार, प्लेट पूरी साफ कर दी 4 मिनट 15 सेकंड में। कितना हो गया भैया? 450। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये इतना बड़ा पराठा जब स्विगी पे आप ऑर्डर देते हो तो पैक करके कैसे देते हो आप? ये काट के पैक होता है। अच्छा काट के पैक होता है, पूरा एक बार में नहीं होता ये पैक? हाँ मैं वही सोच रहा था। चलो पराठा अच्छा था आपका, बड़ा जेन्युइन बनाते हो ये पराठा तो आप। चलो थैंक यू। अच्छा भाई पराठा कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया पराठा था इसका और बहुत बड़ा था। चलो अब तो आ गए वैसे, अब घर चल रहे हैं क्योंकि ना यहाँ से घर जाने हैं भाई, जाते बाद में तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। भाई का बोतल स्टैंड देखो, भाई भाई का बोतल स्टैंड देखो, बोतल स्टैंड बड़ा मस्त लग रहा है यार। भाई ये देखो दिल्ली से NCR में आते ही ना बहुत खुशी होती है यार। अच्छा तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करना और बंदों के साथ भाई इसको शेयर कर दो, मतलब फैला दो इसे। जो भी मतलब आपके थॉट्स है वीडियो के ऊपर वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। कुछ भी डाउट हो भाई इस वीडियो से रिलेटेड या जो मैंने पहले वीडियोस डाले इससे पहले उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल के पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। और भाई फिलहाल तो यार 6000 रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है यार, तो मैं रोज कोशिश करता हूँ कि भाई 50 लोगों का तो रिप्लाई कर ही दूं, पर कोई बात नहीं दिक्कत मतलब कर दूंगा भाई। और भाई जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर जितनी मतलब भड़ास निकाल सकते हो ना वो निकालो यार, जितना उसको तोड़ो फोड़ो जो करना है वो करो। जो उसके घंटे का ऑप्शन है ना उसे भी क्लिक कर देना, उससे क्या होगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ वीडियो आ गया और आप लोग देख सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सीइंग विल बी बैक।